नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। डबरा से टेकनपुर में नहीं है पिछले 24 घंटे से बिजली। लॉकडाउन में आमजन बेहाल हो चुके हैं। एक साल भी नहीं हुआ है अभी बिजली सप्लाई केबलों को डाले हुए। उससे पहले ही जगह जगह से जलकर गिर रही हैं केबल तार। घटिया निर्माण की पोल खोलती टेकनपुर की बिजली आपूर्ति व्यवस्था। टेकनपुर बस स्टैंड हनुमान कॉलोनी क्षेत्र में नहीं है कल सुबह से बिजली। वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में मामला, अब नहीं उठा रहे विद्युत विभाग के अधिकारी फोन। डबरा से ओम बाबू प्रजापति की रिपोर्ट। क्या हुआ ये कि लाइट कब से नहीं है टेकनपुर में? कल 11 बजे लाइट के जो केबल जल गई थी वहाँ मंदिर के पास में। 11 बजे सुबह के टाइम? हाँ, 11 बजे सुबह तो फिर यहाँ में पहले तो लाइट थी नहीं। मैनेजमेंट के नाम से पूरे दिन लाइट नहीं थी। उसके बाद में जैसे ही लाइट आई, केबल गर्म होने के कारण, और केबल भी इतनी कमजोर है कि जल जाती है, टूट जाती है। अभी कितना समय हुआ है इन केबलों को डाले हुए? अभी ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 महीने करीब हुआ। उससे पहले टूट टूट के गिर रही हैं? नहीं, पहले तो वो थे ना तार थे पहले। अभी केबलें कब से टूट रही हैं? ये कल ही टूटी है अभी पहली है। उससे पहले भी एक दो बार टूटी हैं ऐसे बताया था? नहीं, ये एक बार और टूटी थी लेकिन वो तो मैनेजमेंट हो गया था उधर से। लेकिन कल जो है ना टूटी है ना, उसके बाद में 3 बार टूटी है। फिर यहाँ पर एक जानवर ही मरने से बचा। और ये देखो क्या हालत है, क्या घटिया निर्माण कहेंगे इसे बिजली विभाग का? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बुरा हाल है सर। और इसको तो मतलब हमारे हिसाब से तो इसको नया डलवाना चाहिए। नई तो डाली गई है ये? अभी नई डाली गई, ये तो बिल्कुल घटिया निर्माण की है ना सर। देखो आप क्या हाल है।